So guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया काइनमास्टर के अंदर आप ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो वीडियो का बैकग्राउंड डार्क मोड कैसे कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ सीधा काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहां से अपनी वीडियो के हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। तो मैं 9:16 के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां से अपना जो वीडियो उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना जो वीडियो उसको सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हो नीचे हमारा वीडियो आ चुका है। तो इसी तरीके से आप अपना वीडियो ऐड करेंगे, वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट में एडिटिंग करना है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको डार्क मोड ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलता है लेयर, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इफेक्ट नाम का एक ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कलर आइसोलेशन। सो यहाँ पर आपको मिलता है एसएस स्टोर, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो एसएस स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको ऑन कर लेना, ठीक है। सो मैंने अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लिया और यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते। सो यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है थोड़ा सा स्लो है आई गेस, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर मिलता है कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे। कलर लिखा हुआ मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर आइसोलेशन नाम का एक इफेक्ट, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ये जो इफेक्ट है इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपके काइनमास्टर के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा इसी जगह पर, तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर आइसोलेशन आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आप क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाएंगे काइनमास्टर के अंदर और उसके बाद आप इफेक्ट पैनल पर ढूंढ लेंगे कि कलर आइसोलेशन इफेक्ट कहाँ पर है। सो मेरे काइनमास्टर के अंदर इफेक्ट पैनल पर यहाँ पर है बिल्कुल नीचे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर आइसोलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे डन। तो हमारे वीडियो पर कुछ इस टाइप के एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ जाएगा, तो आप इसे अपनी वीडियो पर इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने जो अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको ये जो इफेक्ट है आपको इसे अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना, वीडियो के टाइमलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो मैंने एडजस्ट कर लिया, तो कुछ इस तरीके से आप भी कर लेंगे अपनी वीडियो के टाइमलाइन के साथ इफेक्ट को इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको मिलता है सेटिंग्स नाम का एक ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया। ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको टिक मार्क ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है इंटेंसिटीज़ का जो अमाउंट है आपको इसे अराउंड 70% कर लेना है, ठीक है। सो 70 के अराउंड, या आप इसे 70 से लेकर 85 के बीच में रख लेना, ठीक है, इसका अमाउंट इंटेंसिटी का। और उसके बाद आपको मिलता है नीचे रिवर्स नाम का एक ऑप्शन, आप इसको ऐसा करेंगे पूरा फुल कर लेंगे, ठीक है। फुल करने के बाद आप देख सकते हो हमारे वीडियो पर डार्क मोड इफेक्ट आ चुका है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट हमारे वीडियो पर अप्लाई हो चुका है। अभी हम इसको सिंपली कर देंगे डन और डन करने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। और आपको इंस्टाग्राम रील्स पर इस टाइप का काफ़ी सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो इस टाइप का जो वीडियो कुछ इस तरीके से एडिट किया जाता है। सो मैंने आपको दिखा दिया काइनमास्टर के अंदर आप कैसे कर सकते हो। तो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आपको ये जो मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 1080p रेजोल्यूशन चूज़ करेंगे और फ्रेम रेट आप यहाँ से 30 सिलेक्ट करेंगे। सही वेस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।